नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दमन के देवका से अभी अभी खबर आ रही है कि जिस तरह आप सभी जानते हैं, दमन पर्यटकों के लिए पर्यटन क्षेत्र है, जहां लोग अपने छुट्टी अथवा कोई स्पेशल दिन को यादगार बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में आज गुजरात के अंकलेश्वर से एक सैलानी परिवार यहाँ आए थे, जो नानी दमन देवका बीच पर अपने परिवार के साथ समंदर किनारे टहल रहे थे, जिन्हें किसी दो लुटेरे द्वारा चाकू की नोक पर लूट लिया गया। यह घटना दिन दहाड़े हुई, जहां आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन ऐसे हालात में कोई भी इनकी मदद के लिए सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और लुटेरे सबके सामने चाकू दिखाकर महिला के गले से मंगलसूत्र, मोबाइल और पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी दमन पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही दमन पुलिस हरकत में आई और तुरंत घटनास्थल पर पहुंच के मामले की छानबीन करने में जुट गई है। इस पूरे वाकया की रिकॉर्डिंग वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर ली, वीडियो हुआ वायरल। ये घटना टूरिस्ट प्लेस पर ऐसे दिन दहाड़े होने पर काफी सवालों को खड़ा कर देता है। देखिए दमन से हमारे संवाददाता सुभाष पटेल की रिपोर्ट। आईडी प्रूफ ले तो आप ही अंदर थी मारी दई सारी बोनल लंदर घालू पुलिस वाला ने गोली मारी दे हमारा आईडी प्रूफ ने उठे हां हां बोल हां ले भाई के साथे बोसी ने दादे ओ दोस्त वाली ना आई लुको को आप ही आप ही ना दिख रहा પટેલ છે હું અંકલેશ્વરથી અહીંયા દમણ ફરવા આવ્યો હતો હું ગઈકાલે અહીંયા સિલ્વર સેન્ડ બીચ રિસોર્ટમાં રોકાયો હતો એની સામે બીચ છે ત્યાં હું સવારે ફેમિલી સાથે ગયો હતો તો ત્યાં બહારના બે વ્યક્તિ આવીને ગળા પર ચપ્પુ મૂકીને લૂંટ કરી અને મારો મોબાઈલ વોલેટ અને વાઈફનું મંગલસૂત્ર ખેંચીને લઈ ગયા અને એ બોલવાની લેંગ્વેજ પરથી એને નહોતા લાગતા લોકલ એ આઉટસાઇડના હતા અંદાજિત કેટલા રૂપિયાની એ લોકોએ લૂંટ કરી હશે અંદાજિત હશે દોઢ એક લાખ રૂપિયા જેવી એમાં મંગલસૂત્રની કિંમત કેટલી હતી 70,000 જેવી અને તમારો જે પર્સ હતો એમાં કોઈ કેશ વગેરે 3,000 રૂપિયા અને મોબાઈલ કયો હતો સર સેમસંગ નોટ 9 પોલીસને જાણ કરી હા